गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ लेसन थ्री एनिमल्स एंड देयर यंग वंस की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं हम पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पहला क्वेश्चन मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से आपको डिफरेंस बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा मैमल्स तो क्या करते हैं गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस और बेबीज मेम्बर्स क्या करते हैं डायरेक्टली बेबी या यंग या वंस को बर्थ करते जन्म देते हैं जबकि बर्ड्स जो हैं ले एग्स इनसाइड विच द यंग वंस डेवलप जबकि बर्ड्स के वो क्या देते हैं एक देते हैं और उनके यंग वंस किस में डेवलप होते हैं एक के अंदर ही डेवलप होते हैं सेकेंड क्वेश्चन हैचिंग एंड मोल्टिंग के अंदर आपको डिफरेंस बताना है हेचिंग हमने पढ़ा था पहले लेसन के अंदर द प्रोसेस ऑफ यंग वंस इमर्जिंग फ्रॉम एन एग और कोल्ड हैचिंग ठीक है ऐसी प्रोसेस जिसमें यंग वंस क्या करते हैं यंग वंस किस एक से निकलते हैं ठीक है थीके? तो उभर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं हैचिंग कहते हैं और जबकि द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन टू मेक अवे फ्रॉम न्यू स्किन और कॉल्ड मोल्टिंग और जबकि जो ओल्ड स्किन होती है वो निकलकर निकल कर दूसरी जो न्यू स्किन आती है उसको हम क्या कहते हैं मोल्टिंग कहते हैं आगे देखो सेकेंड ये अंडरलाइन द करेक्ट आंसर हम कर सैकेंड करेंगे पहला है ए वाला रिप्रोडक्शन हेल्प टू रिप्रोडक्शन हमारी हेल्प करता है कि इसमें मैंटेन कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज स्पीसीज को मैंटेन कंटीन्यूटी मेंटेन करने के लिए सेक बी वाला देखो एनिमल्स विच इसके ऊपर टिक करना है आपको सेकेंड नंबर वाले पे ओके एनिमल्स विच सकल तेयर यंगवंस और कॉल एनिमल्स जो कि यंग वंस को फीड करवाते हैं वो कौन से हैं इन्स, मैमल्स इंसेक्ट और हर्ब हर्बी तो कौन से हैं वो मैमल्स ओके हमने लेसन के अंदर रीड किया था इसको भी सी वाला दिग्मि शू इज ए बिग मिश्यू क्या है लार्जेस्ट एनिमल है द स्मॉलेस्ट एनिमल है कि इंसेक्ट है तो आपको सेकेंड वाले नंबर के अंदर टिक करना है द स्मॉलेस्ट मेमल्स के अंदर ओके द आगे डी वाला द वाइट सब्सटेंस फाउंड इन एग इज द वाइट सब्सटेंस पाया जाता है एग के अंदर उसको हम क्या कहते हैं योग कहते हैं शेल कहते हैं कि एल्बीमेन कहते हैं तो वो थर्ड वाला एल्बीमेन के ऊपर आपको टिक करना है ई वाला क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाम्थ टू एग्स टू हेल्प देम टू हैचेस इज कॉल्ड ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा वाम्थ करके उस एग को उसको हेच किया जाता है तोड़ा जाता है तो वो के, प्रोसेस क्या कहलाती है हमें इनक्यूबेशन ठीक है ना आगे देखो थर्ड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है वॉट विल हैपन्स इफ एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस अगर क्या होगा यदि एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो नहीं करे तो क्या होगा तो आंसर हो जाएगा इफ़ एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस यदि एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स विल बी फिनिश्ड ऑन द अर्थ ठीक है तो एनिमल्स फिनिश हो जाएंगे अस्तित्व उनका जो है पृथ्वी से समाप्त तो हो जाएगा ओके सेकेंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंस बिटवीन विवीपेरस और एंड ओवी पेरस के अंदर से आपको डिफरेंस लिखना है ओके okay? इसका आंसर आप पेज नंबर निकालो ट्वेंटी सिक्स पे दिया गया है ट्वेंटी सिक्स पे दिया गया है इसमें आपको सॉरी सॉरी पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर दिया गया है वीवी पेरस और ओवी पेरस ओके okay? इसमें पहला पॉइंट है एनिमल गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस और बेबीज एनिमल्स जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं यंग वंस या बेबीज को जन्म देते हैं और इसमें ओ वी पेस में क्या हो जाएगा एनिमल लेक्स इनसाइड विच विच यंग वंस डेवलप इसमें क्या करते हैं एनिमल्स एक देते हैं और ये एक के अंदर ही जो है इनके यंग वंस डेवलप होते हैं सेकेंड पॉइंट हो जाएगा द यंग वंस आर फॉर्मेट इनसाइड द मदर्स बॉडी और इसमें यंग वंस क्या करते हैं मदर्स की बॉडी के अंदर ही फॉर्मेट होते हैं और इधर वंस दे आर ओवी पेरस में क्या हो जाएगा वंस दे आर फुली फॉर्मेट दे ब्रेक द एग एंड कम आउट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग ये क्या करते हैं पूरी तरह से फॉर्मेट होते हैं किसके अंदर एग के अंदर ही और फिर वो बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं ओके okay, ये आपको लिखना है इसका आंसर ये ओ वी पी एस वीवी में जो दिया गया है डिफरेंस ये दो पॉइंट लिखने हैं आपको आगे सी वाला क्वेश्चन देखो राइट ए फ्यू लाइंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग आपको एक के ऊपर स्ट्रक्चर इस इसका डायग्राम भी बनाना है और इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है ओके okay? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स देखो दिया गया है इसमें डायग्राम भी दिया गया है और आंसर भी दिया गया है अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे वन नंबर डाल के आपको आंसर लिखना है हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव थीन लेयर कॉल्ड शेल जो इसकी बाहरी हार्ड आउटर लेयर होती है वो शेल कहलाती है वो आपको पहला पॉइंट डाल के लिखना है सेकेंड डालना है आपको नेक्स्ट टू द शेल इज ए व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमिन यहाँ तक आपको लिखना है इसमें क्या होता है सेकेंड uh, शेल जो होती है व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो एल्ब्यूमिन कहलाता है इतना ही लिखना है आपको ओके थर्ड पॉइंट द योग येलो योक लाइज इन द सेंटर ऑफ द एग यहाँ पे येलो रंग का सब्सटेंस होता है योक जो कि सेंटर में होता है उसी के अंदर चिक जो है ग्रो करता है और उससे फूड और टेक्स लेता है ना टेक्स फूड फ्रॉम इट उससे योग से ही लेता है और इसका साथ में एक का आपको डायग्राम भी बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग ओके आपको एक का डायग्राम भी बनाना है वन टू और थ्री पॉइंट बना के आपको आंसर लिखना है इसका ओके पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे आपको ये मिल जाएगा आगे क्वेश्चन देखो डी वाला हाउ आर द एग्स ऑफ द रेप्टाइल्स डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ बर्ड्स यहाँ पे रेप्टाइल्स और ए बर्ड्स के एक में आपको डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है इसमें ओके okay? इसका देखो आप पहला इसमें इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स एक एपोस्टॉपिक ऐसा लगा हुआ है बर्ड्स एग आर कवर्ड बाई थीन शेल बट रेप्टाइल्स रेप्ट आर कवर्ड बाई थिक लेद्री शेल बर्ड्स का जो एग होता है वो कवर्ड होता है थीन शेल से लेकिन रेप्टाइल्स का जो एक, एक जो है वो कवर्ड होता है थिक लेद्री शेल से ओके एक सेकेंड सेकेंड पॉइंट बर्ड्स एग आर इंक्यूबेट बाय द पेरेंट्स बर्ड्स का एक जो है, incubate होता है इनक्यूबेट होता है पेरेंट्स के द्वारा जबकि रेप्टाइल्स का एग आर नॉट इंक्यूबेट बाय द पेरेंट्स से इंक्यूबेट नहीं हो, होता है वो ओके थर्ड पॉइंट बर्ड्स एग गेट देअ वाम्थ फ्रॉम द पेरेंट्स बर्ड्स एग जो है वो वाम्थ किससे होते हैं पेरेंट्स के द्वारा वाम्थ किया जाता है जबकि बट रेप्टाइल्स गेट देयर वाम्थ फ्रॉम द सन सन से वम्थ प्राप्त करते हैं ओके ये इसका आंसर है आपको लिखना है ओके आगे क्वेश्चन नंबर ई वाला आर निम्फी हाउ डू दे ग्रो इन टू एडल्ट इंसेक्ट ठीक है निम्फी क्या है और ये कैसे इन इन एडल्ट इंसेक्ट में ग्रो करते हैं इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर ट्वेंटी एट पे पेज नंबर ट्वेंटी एट पे देखो यहाँ पे दिया गया है द यंग वंस हैज फ्रॉम द एक रिसेम्बल द एडल्ट यंग वंस क्या करता है हेज करते को हेज किया जाता है एक को मतलब तु, तु, जब यंग वंस एक को टूटता तु, तु, है तो उसमें से यंग वंस निकलता है एंड रिसेम्बल द एडल्ट और दे आर कॉल्ड निम्फी ठीक है द मोल्ट देयर स्किन सेवरल टाइम्स टू बिकम्स एडल्ट इंसेक्ट और इसकी जो स्किन जो है कई बार जो है निकलती है और तब जाके वो एडल्ट इंसेक्ट में चेंज होता है ओके ये आपको आंसर लिखना है इसका आगे क्वेश्चन है डज ए एफ वाला क्वेश्चन डज ए कैटरपिलर रिवाइंड द सेम थ्रू आउट इट्स लाइफ ट्रेस द लाइफ साइकिल ऑफ द कैटरपिलर फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ एंड एक टू द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलप्ड क्या कैटापिलर जो सारी लाइफ जो है उसी कैटापिलर स्टेज में रहता है और इसको आपको लाइफ साइकिल बना के बताना है डाइग्राम बना के बताना है अर्ली स्टेज से फाइनल स्टेज तक डेवलप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो ए कैटापिलर डज नॉट रिमाइंड द सेम थ्रू आउट इट्स लाइफ सारी कैटरपिलर के, इसी स्टेज में नहीं रहता है सारी लाइफ ओके तो इसका डायग्राम देखो पहले पहले देखो दिया गया है यहाँ पे एक्स होते हैं एक्स से वो किस स्टेज में चेंज होता है कैटरपिलर्स कैटरपिलर से वो प्यूपा में चेंज होता है प्यूपा से वो प्यूपा मोल्ड्स में जिसमें वो काफ़ी बार समय बार क्या करता है काफ़ी बार स्किन छोड़ता है अपनी और उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है बटरफ्लाई में ओके ये डायग्राम भी आपको बनाना है ओके आपको ये डायग्राम भी बनाना है क्वेश्चन नंबर फोर देखो विथ द हेल्प ऑफ द क्यूज गिवन मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग ए सिंगल लेटर इन फ्रंट ओके पहला वाला यंग वन ऑफ ए डियर यंग वन डियर के यंग वन को हम क्या कहते हैं फाउन एफ ए डब्ल्यू एन फाउंड सेकेंड देखो कनिंग एनिमल कनिंग एनिमल कौन सा है फॉक्स चतुर एनिमल सबसे चालाक एनिमल कौन सा है फॉक्स थर्ड वाला इज स्लो क्रिएटर्स सबसे स्लो क्रिएटर कौन सा है प्राणी कौन सा है स्नेल एस एन ए आई एल ओके स्नेल और फोर्थ वाला देखो एक थिक फर्ड एनिमल कौन सा है बियर एक थिक फर्ड एनिमल कौन सा है बियर फिफ्थ वाला देखो यंग वन ऑफ ए फ्रॉग यंग वन फ्रॉग की यंग वन को हम क्या कहते हैं टेट पोल टी ए डी पी ओ एल ई टेट पोल ठीक है सिक्स वाला क्वेश्चन देखो यंग वन ऑफ ए हेन हेन के यंग वन को क्या कहते हैं चिक सी एच आई सी के चिक ओके थैंक यू हैव हैवे नाइस डे